हमारे राज्य में बहुत प्रकाश है, हमें किसी ज्योति की कोई आवश्यकता नहीं। भले ही आपके राज्य में प्रकाश हो, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए आपको इस चंद्र ज्योति का सहारा लेना ही होगा। तुम क्या दोगी सहारा, फिर वापस भेज दोगी दोबारा? क्यों, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं? भरोसा न होता तो आता ही क्यों? तो मैं आपको विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। कहानी 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 सुन सुन कर मेरा पानी खत्म होने लगा है। एक बार राजा विक्रमादित्य यज्ञ कराना चाहते थे। उनकी ये इच्छा थी कि उस यज्ञ में चंद्र देवता पधार कर उन्हें आशीर्वाद दें। है दरबारियों, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। महाराज कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम यज्ञ कराना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस यज्ञ में स्वयं चंद्र देवता पधार कर आशीर्वाद दें। ये तो बहुत ही शुभ विचार है, परंतु चंद्र देवता? हाँ, और हम चाहते हैं कि स्वयं महामंत्री चंद्र देवता तक ये निमंत्रण पहुंचाने का कार्यभार संभाले। महाराज की जय हो। महामंत्री, ये आपका सेवक आपसे शायद कुछ कहना चाहता है। महाराज, आपसे कुछ समय के लिए इजाजत चाहता हूँ। ठीक है सेवक, महामंत्री कुछ परेशान से दिख रहे हैं, क्या बात है? महाराज, उनकी इकलौती पुत्री बीमार है। बीमार तो उसका इलाज कराना चाहिए। उसका इलाज किसी की समझ में नहीं आ रहा। कोई तो दवा होगी। एक इलाज है महाराज। क्या इलाज है वैद्यराज? स्वांग बूटी महाराज, यही वो इलाज है जिससे बच्ची को बचाया जा सकता है। तो फिर परेशानी क्या है? महाराज, ये बूटी पाना आसान नहीं, ये रत्नागिरी की घाटियों में मिलती है, जहाँ भयानक जंगली जानवर और प्रेत आत्माओं का वास है। आज तक कोई भी मानव इस बूटी को नहीं ला सका महाराज। हम उस बूटी को लाएंगे वैद्यराज। महाराज, हमारे पास समय कम है और वहाँ तक पहुँचने में 6 महीने लगते हैं। वैद्यराज, हम समय से पहले ही यहाँ आ जाएंगे, आप सिर्फ उस बूटी की पहचान बताएं। महाराज, उसके फूलों का रंग आधा नीला और आधा पीला होता है, वो कटीली झाड़ी के रूप में होता है। उसके पत्ते लाजवंती के पत्तों की तरह छूने से मुरझा जाते हैं। महामंत्री से कहना कि विक्रमादित्य के होते हुए उनकी पुत्री को कुछ नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य राजमहल से बाहर आकर सुनसान जगह पर खड़े हो गए। वेतालों, उपस्थित हो। महाराज की जय। महाराज के जय। इसे क्या हुआ? महाराज, ये संगीत सीख रहा है। तुम्हें मालूम है लोग तुम्हें वेताल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि तुम कुछ भी सुर ताल में नहीं गा सकते, इसलिए तुम वेताल हो, बेताल हो। अब हमारी बात सुनो, हमें रत्नागिरी की घाटी में जाना है। जाना इतना आसान होता तो तुम्हें क्यों बुलाते हैं? हम आपको पहुंचा देंगे, लेकिन एक शर्त पर, मेरा गाना सुनना पड़ेगा। गाना? ठीक है। ओ मेरे, हे ईश्वर, ना जाने कब तक ये बेसुरा राग सुनना पड़ेगा। ये लीजिए महाराज, आ गई आपकी रत्नागिरी घाटी। तो ये है रत्नागिरी। कहाँ है शेर का बच्चा? बस बस, बहुत हुआ, अपनी ये बहादुरी अगले शेर को दिखाना। अगला शेर।
हाँ चलो अब। मुझे पीछे कौन खींच रहा है? बिना उजाले के हम बूटी कैसे ढूंढेंगे? काश काश चंद्रमा निकल आता तो उसकी रोशनी में हम बूटी ढूंढ लेते। प्रणाम चंद्रदेव, कहां होगी बूटी? हाँ यही है सुहाग बूटी, मिल गई। अरे ओहो, यहां तो बिच्छुओं का झुंड है। अभी बताता हूं। मिल गई। है चंद्रदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना आते तो ये दिन भी हमारा व्यर्थ जाता। हे परोपकारी राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा ये कार्य यज्ञ ही नहीं महायज्ञ से भी बढ़कर है। अब महामंत्री की पुत्री को इस बूटी की आवश्यकता नहीं। क्या इसका मतलब वो ठीक हो गई? नहीं, मेरा मतलब था कि उसे अब अमृत की आवश्यकता है। अमृत की आवश्यकता? क्या वो? हाँ राजन, वो मर चुकी है। ये अमृत इसे उसके मुंह में डाल देने वो जीवित हो जाएगी और ये बूटी अन्य के काम आएगी। धन्यवाद चंद्रदेव। राजन, तुमने मेरा दर्शन कर लिया है। अब तुम्हें मुझे यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम यज्ञ प्रारंभ करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोनों वैतालों उपस्थित हो। महाराज की जय। हमें शीघ्र से शीघ्र राजमहल ले चलो। राजमहल यानी वापस चलिए। ये लीजिए वैद्यराज, ये अमृत की बूंदे पुत्री के मुंह में डाल दीजिए। दीजिए महाराज। पिताजी, माँ, माँ। मेरी बच्ची, तू ठीक हो गई। महाराज आप धन्य हैं, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा महामंत्री, ये तो हमारा कर्तव्य है। तो राजा भोज, मुझे विश्वास है कि ये कार्य तो आपने जरूर किया होगा। किसी दरबारी के लिए अपना जीवन संकट में तो डाला ही होगा। मैं क्या किसी का संकट दूर करूंगा? मेरा खुद का संकट दूर नहीं हो रहा है। तो अब क्या विचार है राजा भोज? मैं दोबारा फिर आऊंगा। कहानी दो कहानी, तीन कहानी, कहानी पर कहानी।